डिस्टेंस, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं, ये इसका एक नाम और रखे थे हम लोग, या इसमें दो चीज होता है। एक होता है सर आपको पीएम ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, या सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी आप इसको बुला सकते हैं। और एक होता है सर आपको क्या, आपको साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट भी होता है जी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसे कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है जो सेल के भीतर ही होता है सर, ये दो सेल के बीच में होता है जी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाए थे, ठीक है, ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाए थे। और इसके लिए एक खास तरह का टिश्यू अपॉइंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम नाम का एक टिश्यू है जो अपॉइंट होता है ट्रांसलोकेशन के लिए जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ट्रांसलोकेशन में जाइलम अलग काम को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल एक पाइप है जी। और नया स्टूडेंट जो होंगे, जो आपको जाइलम नहीं समझ रहा है, तो कभी पपीता को पेड़ के बीच से काटिएगा ना, या बांस के पेड़ को बीच से काटिएगा, वो जो खांचा जैसा दिखा देता है ना, उसी को जाइलम कहते हैं, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करके देता है ये। और वही जगह पे फ्लोएम जो देखते हैं हम लोग, फ्लोएम क्या करता है सर आपको, ये है ना आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करता है जी, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करता है जी। दो बातें आपको याद रखना होगा, जाइलम फ्लोएम को ट्रांस, जाइलम जाइलम मतलब जाइलम का आपको जाइलम का काम वाटर का मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर आपको, ये आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये सब बात तो बच्चा वाला बात है जी, ठीक है, ये तो सब जानता है। लेकिन अभी हम लोग को ये बात जानना है कि सर कभी टकराता नहीं है क्या, कोई सामान एक दूसरे से टकराता नहीं है क्या, कि जैसे जाइलम से कोई सामान जाए और फ्लोएम से सामान जाए एक दूसरे से टकरा जाए, नहीं नहीं हो सकता ऐसा, एक स्ट्रिक्टली जाता रहता है जी, ठीक है। जाइलम जो देखते हैं, मान लीजिए जाइलम का पाइप है, ये पाइप जाइलम का हुआ, ये पाइप था देख ले मान लो फ्लोएम का है जी, ठीक है, ये पाइप जो देख रहे हैं इसका नाम दे देते हैं हम लोग फ्लोएम, और ये पाइप जो देखते हैं उसका नाम क्या सर आपको, जाइलम। तो सर इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो आराम से ट्रेवल करेगा आगे की तरफ, है ना, और फ्लोएम का जो मॉलिक्यूल है आराम से ट्रेवल करेगा दोनों तरफ, है ना। आप लोग जानिए फ्लोएम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, बाई डायरेक्शनल का हिंदी मतलब समझ रहे हो कि सर दोनों तरफ जा सकता है, नीचे से ऊपर, एक ऐसा आपको लिफ्ट में बैठे हो ना, वो लिफ्ट नीचे से, आप कभी देखो रेलवे स्टेशन गए हो दरभंगा रेलवे स्टेशन में, दरभंगा रेलवे स्टेशन पे देखिए एक एलिवेटर आया जो नहीं देखते हो, जिससे आप खड़ा हो जाए तो ऊपर अपने आप पहुंचा देता है, ठीक है, एक एलिवेटर जो ऊपर से नीचे ले आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक ऐसा भी मशीन हो सकता है जो ऊपर से नीचे भी जाए, नीचे से ऊपर भी आए। यहाँ पे वही बात है कि सर आप जब प्लांट में देखते हैं तो फ्लोएम में जो सामान है ना सर, इसके अंदर में जो सामान होगा वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है जी, ठीक है। लेकिन सर जाइलम में ये नहीं है सर, जाइलम में जो भी सामान लोड होगा उसको ऊपर जाना है सर, नीचे कभी नहीं आ सकता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जी। जाइलम के अंदर में जो सामान होता है वो हमेशा आपको ऊपर की ओर ही जाता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है ये। और इसमें जो देखते हैं हम लोग ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल का मतलब आपको नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये कहा था आपको कि जाइलम जो देखते हैं हम लोग, है ना, जाइलम के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे, जाइलम क्या ले जाता है, ऑर्गेनिक सामान को ले जाता है या इनऑर्गेनिक सामान को ले जाता है जी। हम आपको पहला ही पेज पढ़ा रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहे, फर्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है ना वो सब बात पढ़ा रहे हैं। कोई लड़का ढूंढ रहा होगा मेरी बातों को तो यहाँ पे ढूंढना शुरू कीजिएगा, एक मिनट हम फोटो दिखा देते हैं, ये पेज पढ़ा रहे अभी हम आपको, ये वाला पेज आपको हम पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है जी, ठीक है। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे कि जाइलम जो है ना हमेशा सामान को, कोई दिक्कत है क्या, हेलो माइक ऑन है, हेलो माइक ऑन है, जिसका ऑफ करो माइक, जिसका ऑन है तो हेलो बोले ना, आ रहा है आवाज, सर आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो जाइलम का हम लोग बात कर रहे थे, जाइलम क्या करता है, सामान को ऊपर की ओर ले जाता है जी, ठीक है। और फ्लेम को, फ्लेम का काम क्या है सर आपको, सामान को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी आपको ये ले जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुद्दा ये होता है कि जाइलम ले किसको जाता है, तो सर ये आपको वाटर को तो ले ही जाता है, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब नमक पानी हो गया, सोडियम पोटासियम कैल्शियम सब हो गया, उसको मिनरल्स के नाम से बुलाएंगे, ये उसको ले जाता है। इसका मतलब आप कहोगे कूलर का इसमें से जो पढ़ा लिखा होगा, मतलब पढ़ा लिखा मतलब क्या, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा तो बोलेगा इनऑर्गेनिक सामान को ले जाता है, मतलब जाइलम इनऑर्गेनिक सामान को ले जाता है। अब फ्लोएम में जानते हो तुम लोग ग्लूकोज चलता है, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सामान,
लेकिन हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ एनसीईआरटी भी सपोर्ट नहीं करता है। एनसीईआरटी बोलता है क्या, ये आपको जो जाइलम देख रहे हो, जाइलम ऑर्गेनिक सामान को भी ले जाता है और इनऑर्गेनिक सामान को भी ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट, ये लिखो कहीं पे एनसीईआरटी में, आपको ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ले जाता है, ऑर्गेनिक को भी ले जाता है और इनऑर्गेनिक को भी ले जाता है, और फ्लेम भी दोनों को ले जाता है, बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये भी करता है, बोथ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ये भी कर रहा होता है जी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको समझ में आना चाहिए, मतलब तुम लोग से हम पूछे ना जाइलम फ्लेम क्या चीज ले जाता है, तुम कहेगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को ले जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक का मतलब है ना जी आपको वाटर हुआ यानी जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं पाया जाता हो, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अब तुम लोग सर समझाइए इसको। ये भाई यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है जाइलम में आपको वाटर है, जाइलम में तुम जानता है वाटर क्या होगा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होगा, और जाइलम में ही आपको क्या दिखा रहा है, मिनरल, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल, समझ रहे हो ना, NaCl लिखना, KCl लिखना, ये सब क्या होगा, इनऑर्गेनिक हुआ ना। लेकिन तुम लोग कहोगे सर चलिए ठीक है आपकी बात मान रहे हैं, पर ऑर्गेनिक में क्या होगा, ग्लूकोज होगा क्या, नहीं, यहाँ ध्यान दोगे तुम लोग, ऑर्गेनिक में आपको क्या होगा, यूरिया होगा जी। ठीक है, यूरिया, यूरिया आप जानते हो ना खाद वगैरह, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूरिया। कहोगे सर यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चलिए ठीक है ये भी मान लिए, और भी कुछ, हाँ जी और भी कुछ, प्लांट हार्मोन, इसी बुक में हम एक दिन प्लांट हार्मोन पढ़ाएंगे ना, तो प्लांट में सर 5 तरह का हार्मोन होता है, और आप लोग को आज ये थ्योरी हो गया, आपसे हम पूछेंगे कभी आपसे कि प्लांट हार्मोन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी प्लांट हार्मोन है वो सब के सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और उसको ले जाने के लिए एक अलग पाइप कंडक्ट करता है जिसका नाम क्या है, जाइलम। ठीक है, दो बातें याद हुआ जाइलम के बारे में, जाइलम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को ले जाता है, और प्लस जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, लंबी दूरी को तय करवाना हो तो जाइलम, 15 मीटर का दूरी हो, 10 मीटर का दूरी हो, 5 मीटर का दूरी हो, जाइलम से तुम जल्दी कवर करवा सकते हो। दूसरी बात, जाइलम लेके आ जाता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों, चलिए ऑर्गेनिक तो सॉरी इनऑर्गेनिक तो सब लड़का बोल देगा, ऑर्गेनिक में क्या ले जाता है, तो आपको याद रखना होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस, यूरिया में क्या देखते हैं, नाइट्रोजन होता है जी। ठीक है, खाद में क्या होता है जी, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके अलावा प्लांट हार्मोन को ले जाता है जी। अब फ्लेम की बात करते हैं, फ्लेम में तो सर आपको ग्लूकोज नहीं चलता है, अगर आपको कॉमन सेंस लगाइएगा तो ग्लूकोज हाईली रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल होता है। देखिए कोई गुस्सा वाला आदमी को ले जाओगे ना रोड पे तो सबसे मारपीट करते जाएगा, तो समझ में आ रहा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रोड पे जब जाएगा कोई गुस्सा में आदमी, गुस्सा में आदमी होना क्या कि जो किसी को देखा कुछ कुछ बोल दिया बोला उधर से भी फोर आ रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग में, हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग में ब्लड के जरिए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं था पे करना पड़ता है, पे मतलब क्या, बहुत सहना पड़ता है बात को। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देते हैं, मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे एक रिश्तेदार आया और रिश्तेदार को तुम कहा कि चलिए दरभंगा घुमाते हैं, और रिश्तेदार ऐसा आदमी है कि सबको गलियारा रोड पे, जिस सबको, जिस दुकानदार को हुआ, जिस टेम्पो वाला को हुआ, जिस मोटरसाइकिल वाला, सबको गलियाते जा रहा है। ठीक है, तो जानवे कर तो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, उसको रिश्तेदारों को तुमको सुनना पड़ेगा किसी से, तो वही बात आपके शरीर के साथ है, आप में जब ग्लूकोज चलता है ना तो आपके शरीर में बहुत जगह झगड़ा होता है, इसलिए आपका सेल का लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन प्लांट जानता है उसको लंबा जीना है, तो प्लांट जानता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराएंगे ना तो उसको बैंड बजेगा, तो प्लांट ग्लूकोज को नहीं ट्रांसपोर्ट कराता है, वो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कराता है जी। ठीक है, इसके अंदर में सुक्रोज दिखाई देगा जी। ठीक है, अब सुक्रोज जानते हैं आप लोग कोई, तो वही चीनी जी, वही चीनी, कैन शुगर, कैन शुगर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सुक्रोज के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, तुमसे हम पूछे ना, आप गहराई में जा रहे हैं, हम लोग सुक्रोज मतलब फ्लेम किसको ट्रांसपोर्ट कराता है, तो सुक्रोज बोलिएगा आप, अपना दिमाग कम चलाना, हम जो बोले वो बोलिएगा, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कराता है, और सिर्फ शुद्ध सुक्रोज नहीं जी, सुक्रोज प्लस वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लेम का काम क्या होता है, सुक्रोज प्लस है ना आपको वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, एंड सम नाइट्रोजन कंपाउंड, सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना जी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी आपको ये चलाता है जी। ठीक है, कुछ कंपाउंड जो होता है ऐसा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी देखते हैं जी हम लोग। ठीक है, तो ये सब भी जो देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को भी ले जाने में ये मदद करता है जी। ठीक है, सुक्रोज को, ये सुक्रोज को भी ट्रांसपोर्ट कराता है, साथ साथ क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को भी ट्रांसपोर्ट कराता है जी। ठीक है, एक मिनट समझना है जी ये सब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब नोट्स बनाओ कहीं पे, ये सब जरूरी था। अभी एनसीईआरटी में भी आपको और बात कर रहा है क्या कि जब आप सामान को ले जाते हैं तो ट्रैफिक सब जो होता होगा वो ट्रैफिक से एक दूसरे से टकराता नहीं होगा, नहीं, ये सब कोऑर्डिनेट वे में जाता है जी। ठीक है, जिसको जहां जाना होगा वहीं पहुंचेगा,
कोई दूसरे जगह नहीं पहुंच जाएगा जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे एक लीफ ने डिमांड किया है कि नाइट्रोजन चाहिए उसको, तो सर यहाँ पर का जो लीफ होगा, ये लीफ है, इसको डिमांड है नाइट्रोजन का, है ना। तो सर यहाँ से जो जाइलम का जो पाइप होगा, ये जो पाइप देख रहे हैं इसका नाम क्या सर आपको, जाइलम। जाइलम जो होगा सर यहाँ से, ये आपको है ना, जाइलम के जरिए नाइट्रोजन यही जाएगा सर। बीच में कोई दूसरा लीफ है और उसने डिमांड नहीं किया है, तो यहाँ नहीं पहुंचेगा कभी नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन कहाँ पहुंचेगा, तो हमेशा इसी लीफ को पहुंचेगा जी नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इमेजिनेशन करो कि सर ये भी लीफ है और ये भी लीफ है सर। अब ये लीफ है ना सर, ये वाला ये मरने जा रहा है जी, सेनिसिएशन में जा रहा है। सेनिसिएशन का मतलब क्या होता है ना, बुढ़ापा में आ गया जी, ठीक है, ओल्ड एज में आ गया, ओल्ड एज में चला गया है ये। ओल्ड एज में चला जाता है सर, तो प्लांट जानता है कि ये अब नहीं जिएगा, तो उसका सारा सामान खींच लेता है प्लांट और दूसरे हिस्सा को दे देता है। ये भी एक तरह का एक प्रक्रिया है जी, हम लोग में ऐसा नहीं होता है, पर प्लांट में क्या देखते हैं, जब कोई प्लांट का हिस्सा मरने के कगार पे रहता है तो प्लांट उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन फास्फोरस, आपको उसके बाद और भी बहुत कुछ, नाइट्रोजन फास्फोरस और कार्बन और मैग्नीशियम, व्हाटएवर टाइप्स का जो न्यूट्रिएंट होगा, या हार्मोन, जैसे हार्मोन के तौर पे ऑक्सीजन हार्मोन, इस सब को बुला लेगा सर और उधर भेज देगा जहां उसको जरूरत है जाने का। मतलब तो यहाँ छोटा सा नन्हा पत्ता है, एक यंग लीफ है, यंग लीफ के तौर पे आपको, यानी यंग लीफ को पहुंचा देगा सर आपको यहाँ से निकला हुआ केमिकल सर को। यहाँ पे निकला हुआ केमिकल कहाँ पहुंच जाता है सर आपको, इस जगह पे पहुंच जाता है। मतलब विड्रॉ भी कर सकता है सर, जाइलम फ्लोएम की मदद से तुम कोई सामान से विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक्चुअली में बोलिए सर, एक्चुअली में जाइलम विड्रॉ कर सकता है, फ्लोएम नहीं। जाइलम का काम क्या होता है, किसी भी इलाके से पुराने सामान को फिर से खींच लेना, खींच करके ना सर वापस ऊपर की ओर ले जाना, नीचे नहीं ले जाएगा, हमेशा आगे की ओर ले जाएगा। तुम ऑब्वियस कॉमन सेंस लगाओ, प्लांट में नया चीज हमेशा ऊपर की तरफ आता है, इसलिए सर ऊपर की तरफ इसको नया सामान पहुंचा रहा है, नीचे का सामान खराब होता रहता है। प्लांट में देखो कभी पुराना पत्ता नीचे की तरफ रहता है ना जी, और ओल्ड लीफ नीचे की तरफ रहेगा, और यंग लीफ किधर की रहेगा, यंग लीफ जो रहता है ऊपर की तरफ रहता है जी, ठीक है। तो यंग लीफ में सर आपको क्या होता है सर, इसमें आपको नाइट्रोजन सबको पहुंचा देता है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ये प्लांट को पता कैसे चलता है? तो ये वही प्लांट है, अब इसी में तो तुम पांच चैप्टर लगाएगा ना, प्लांट को कैसे पता चला कौन सा खराब हो गया नहीं हो गया, इसी पांच चैप्टर में ना पता चलेगा, है ना। कोई चैप्टर होगा जिसमें तुमको बताया जाएगा कि कब प्लांट बूढ़ा हो जाता है, कैसे तुम समझ गए कि कोई प्लांट बूढ़ा हो गया, ठीक है, इस चैप्टर में समझेंगे क्या। अभी तो बस तुमको ये समझाया गया कि जाइलम का काम होता है ना, आपको विड्रॉ करने में भी काम आता है जी, ठीक है। अब एक इंग्लिश इसमें देखना कि सर एक हार्मोन सब होता है ना स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड होता है। एक लाइन देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा, हार्मोन्स जितने भी हैं, प्लांट केमिकल्स जो होते हैं, प्लांट फैक्टर्स यानी प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन जो भी है, वो स्ट्रिक्टली पोलराइज होता है। देखो कुछ बच्चा ऐसा होता है ना, ठीक है, जिसको तुम इतना बोल देना कि यहाँ से दाएं जाना है और बाएं जाना है और बाकी कहीं नहीं जाना है, ठीक है, तो उतना ही करेगा नहीं, रोबोट के जैसा काम करने वाला बच्चा, ठीक है। जैसे आपको कोई लड़का कह दिए कि यहाँ से तुमको आपको 10 किलोमीटर जाना है आगे और वहां से फिर वापस भी आ जाना है, बीच में रुका, बीच में कहीं गया तब फिर पीट देंगे, ठीक है। बच्चा तुम्हारे बात को मान के उतना ही दूर गया और फिर वहीं से वापस भी आ गया जी, ठीक है। तो इस घटना को स्ट्रिक्टली पोलराइज बोलते हैं जी। यहाँ पोलराइज का हिंदी मतलब कोई केमिस्ट्री के सम से नहीं निकाले, न्यूट्रल होना ये सब नहीं, स्ट्रिक्टली पोलराइज मतलब क्या, जिस जगह के लिए मूवमेंट के लिए तैयार हुआ है वहीं पहुंचेगा और कहीं नहीं। मान लीजिए ये एक लीफ है, इस लीफ में एक हार्मोन बना है, ऑक्सीन नाम का एक हार्मोन बना है, और यहाँ पे एक लीफ है, इस लीफ को ऑक्सीन का डिमांड है, ये डिमांड कर रहा है किसका आपको, ऑक्सीन का, है ना, डिमांड ऑफ ऑक्सीन। तो ऑक्सीन नाम का केमिकल जो है वो यहाँ से निकल करके सीधे यहीं पहुंचेगा और कहीं नहीं जाएगा, माने ये दूसरा लीफ है तो इसको नहीं देगा, वो जिसके लिए बना था वहीं पहुंचेगा, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड होते हैं, जिस जगह के लिए बना होता है वहीं पहुंचेगा और कहीं नहीं जाएगा। ये सारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इजिली डन बाय द प्लांट, है ना, प्लांट कहीं पे भी कोलिजन नहीं होने देता किसी भी केमिकल को, किसी भी केमिकल को कहीं पे रुकने नहीं देता है, सबको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता रहता है अलग तरीके से। सोचो इसके पास दिमाग नहीं है तब भी इतना वाला दिमाग वाला काम कर रहा है कि सबको कहां भेजना है, इसको कंट्रोल में रहता है जी प्लांट को। यही सब चैप्टर में ढूंढेंगे, अभी तब तुम लोगों को ट्रांसपोर्ट सिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली तुम्हारे मन में सवाल उठा कि सर कैसे होगा, तो सर असल में हमसे तुम पूछता ना, इसमें सबसे पहले चैप्टर 15 के बारे में बोलना चाहिए था, तब इसको बीच में रखना चाहिए था, लेकिन जानबे कर दो एनसीईआरटी जानबूझ के आगे पीछे लिखता है ताकि बच्चा सनकता रहे, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे कि सर यहाँ से यहाँ कैसे डायरेक्ट पहुंच गया, कहीं दूसरे जगह क्यों नहीं रुका, आएगा कुछ केस तब होगा। और टेंथ के एनसीईआरटी में भी सब केस, टेंथ के एनसीईआरटी में बात बताया गया है कि कोई सामान अपने ही जगह पे कैसे पहुंच जाता है,
और अगला जो चैप्टर 10th में देखो ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है, उसमें तुमको बताया जाएगा फाइटोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। आप लोग यही चीज को सुनना है चैप्टर 15 में। क्या जा रहा जी बात सुन में? अब आइए है ना, हम लोग आप डिटेल करना शुरू कर दिए। देखो इस चैप्टर को पहले एनालिसिस करते हैं। देखिए इस चैप्टर को तीन हिस्सों में बांट देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों को इसके अंदर में प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ना है जी, ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। इस चैप्टर को तीन हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं जी, ठीक है। एक है सेल ट्रांसपोर्ट, सेल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास फ्लो, मास फ्लो, इसी को तुम कहो है ना, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक होगा सर आपको ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पढ़ना है जी, ठीक है, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया ट्रांसपायरेशन है ना। ये तीन टॉपिक आपको डिस्कस करना है जी। सेल ट्रांसपोर्ट में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे हम आपको, एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे हम आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब सिलेबस बता रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे, और एक क्या पढ़ाएंगे हम आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे जी, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो ट्रांसपोर्ट सुनाएंगे हम आपको, एक होगा आपको डिफ्यूजन, आप चाहो तो एनसीईआरटी पलट सकते हो, कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में ढूंढो इस शब्द को, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग कहीं कहीं पे है ना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के नाम से सुनेंगे जी। ये सब जरूरी है जी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सुनना है और डिफ्यूजन सुनना है जी, ठीक है। और उसके बाद इसी में बोनस दे रहा है, बोनस पढ़ रहे हैं, यानी एक नहीं था बॉक्स टाइप का बोनस पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल। असल में तुम लोग इसी का इंतजार करो, जब इसको चलाएंगे ना तब तुम लोगों के लिए मेडिकल का क्वेश्चन सब बनना शुरू हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होता है ना, डीएफपी होता है ना, डिफ्यूजन प्रेशर है ना, डी है ना डिफ्यूजन, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट, ये डीपीडी का फुल फॉर्म होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट है ना, प्यासा, प्यासा इसका हिंदी मतलब निकाल, प्यासा किसको ज्यादा प्यास लगा हुआ है उसका पता लगाते हैं डीपीडी से, ये दोनों टॉपिक के अंदर में डील होगा। और उसके बाद अब जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तब तुमको हम मास फ्लो पढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा से कम की तरफ कैसे पानी जाता है, या नदी का मूवमेंट कैसे होता है, यानी कि या गार्डन में पानी का जो पाइप होता है तो पानी के पाइप से पानी कैसे बाहर निकलता है, ये सब इस टॉपिक के अंदर में सुनेंगे मास फ्लो। मास फ्लो का ही एप्लीकेशन है ना, इसी का एप्लीकेशन होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अभी बोले थे ना, जाइलम फ्लोएम के रास्ते से जब कोई चीज को तुम भेजता हो, नहीं अब जब तुम कोई इस चीज को देखते हो जाते हुए, उस घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब आप इसी के अंदर में जाइलम ट्रांसलोकेशन पढ़ोगे, जाइलम के अंदर से सामान कैसे जाता है, और जब ये समझ में आ जाएगा तब आपको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पढ़ना है। सबसे लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का, ट्रांसपोर्ट इन बाय द फ्लोएम, मतलब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे जी, ठीक है। और इसी चैप्टर में बुक में एक जगह पे ट्रांसपायरेशन समझाया हुआ है, वो ट्रांसपायरेशन का हिंदी मतलब सुनो, पेड़ के पत्ते से पानी का भाप निकलने की प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, है ना। ओजेज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ है ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या इन द प्रेजेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ के सरफेस से वाटर का वेपर निकलना इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब आपको हम पढ़ाए हुए 10th के एनसीईआरटी में भी है, और आपको यहाँ पूरा छिलका छुड़ा के समझाया हुआ है ट्रांसपोरेशन आपको कैसे होता है, हाउ ट्रांसपायरेशन अकर है, हाउ ट्रांसपायरेशन अकर्स, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। तुम हमसे पूछोगे तो हम बोले थे ज्यादा क्वेश्चन इस पेज से आता है, मास फ्लो वाले से आता है, दो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से, दो से एक से दो क्वेश्चन रहता है, और इसी से ज्यादा आता है, ठीक है। बोलो, हेलो, एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा, तो एक बार कट करके ज्वाइन करो, तो ये बात पहले से पढ़ा तो और अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और आपको मिलेगा है ना इसको पढ़ने के लिए मौका है ना, पढ़िए जरूर, इससे आपको 12th में भी मदद मिलता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत जगह सुनने को मिलेगा
असल में वाटर पोटेंशियल है जो देखेंगे कभी, अब मास को ले सब इधर ही मेरा यूज है, असल में इसे बच्चा लबा सब होगा, फिर भी कर लेते एक बार ठीक है। देखिए हम आपको समझाए में भी है कि अगर ट्रांसपोर्ट सेल लेवल पे करना हो तो उसके लिए दो तरीका बेहतर होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दोनों में ये तरीका का क्या मतलब था, पैसिव ट्रांसपोर्ट याद आ रहा ना, मूवमेंट ऑफ है ना, मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए अगर आप कोई सामान को हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं जी ठीक है। अब उसमें भी हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन होता है, उसी में हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं जी ठीक है। तो इसको भी समझा सकते हैं अपने टेंथ वाले स्टूडेंट सबको, हम बोलते हैं कि आपको डिफ्यूजन अब इधर हम चलेंगे थर्ड में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफिनेशन जस्ट उल्टा है इसका, जिसका उल्टा होगा लेकिन जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो सामान जाता है अब इतना लिखे कि हो गया बाय यूज ऑफ एनर्जी है ना, बाय यूज ऑफ एनर्जी इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं बाय यूज ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से लाते हैं। देखिए अपने आपको कुछ नए स्टूडेंट के लिए हम बोल रहे हैं दुनिया में, अब देखा इधर हम शुरू करेंगे थर्ड में, लेकिन उससे पहले बेसिक क्या होता है, दुनिया में मॉलिक्यूल जो देखोगे ना, मॉलिक्यूल दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जी ठीक है। आपको किस आधार पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे देखा जाए तो सर, या है ना ऑन द बेसिस ऑफ वाटर के अट्रैक्शन के आधार पे, वाटर अट्रैक्शन के आधार पे दो तरह का मॉलिक्यूल होगा, या चार्ज के आधार पे बेहतर होगा, चार्ज के आधार पे दो तरह का मॉलिक्यूल होगा, चार्ज के आधार पे देखा जाए तो दो तरह का मॉलिक्यूल होगा, एक होगा सर आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एक होगा सर आयन, एक होगा आयन, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी दो तरह का होता है जी ठीक है, एक होता है पोलर, एक होता है सर आपको नॉन पोलर। ये बेसिक क्लास है जी ठीक है, जिसका केमिस्ट्री थोड़ा बहुत वीक है तो उसको थोड़ा समझना होगा। मॉलिक्यूल दो तरह का देखिएगा, न्यूट्रल होगा एक आयन के फॉर्म में होगा, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना कोई सामान, जैसे इस पे आयन है ना, माइनस चार्ज है तो आयन हुआ, इसको बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, आपको ऐसे कुछ लिखे रहते हैं हम लोग के प्लस आयन हुआ है ना। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या, जैसे वाटर लिखा तुम है ना, जैसे तुम आप क्या लिखे वाटर लिख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हो है ना, जैसे आप और भी एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं जैसे H2CO3 लिख रहे हैं, ये सब देखो कहीं पे चार्ज ना है, इसका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल माना जाएगा। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी दो तरह का होता है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फास्फोरस दिखाई दे, या इसमें से कोई दो चीज दिखाई दे, या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिखाई दे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई दे, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन दिखाई दे, ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मानेंगे। जो लड़का केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ेगा तो लोग समझ रहा होगा, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड पर अभी हम नहीं फंसना चाहते हैं, तुम बस एक ऐसा मॉलिक्यूल की तलाश करो जिसमें ये दोनों में से तीनों में से कोई भी मिल जाए। जैसे वाटर लिखते हैं ना हम लोग, वाटर में देखो एक हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है, मिल गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, पानी का पसंद करने वाला मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन कोई लड़का हमसे मांग रहा होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जो पानी को खूब पसंद करता हो, पानी के साथ रहना पसंद करता हो, जैसे NH3 में देखो एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन, कम से कम एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन मिला तो वो क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा जी ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन मिला, इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा जी ठीक है। जैसे आप वाटर देख रहे हो, जैसे आप अमोनिया देख रहे हो, ऐसे और भी बहुत सारा नाम है वाटर के अलावा, और क्या नाम हो सकता है जी ठीक है, जैसे आपको KCOH लिख देना है ना, ये भी एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, क्लियर हुआ जी हम क्या बोलना चाहें, क्योंकि OH है सर, ये क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा जी। नॉन पोलर जिसमें आपको ये तीनों चीज नहीं मिलता हो सर है ना, CO2 लिखना, H2S लिखना, सॉरी H2S क्यों लिखेंगे, HCl लिखना है ना, और क्या नाम ले है ना, और आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे और भी नाम सब हो सकता है, जैसे बोलो ना कोई PO4 होना, HCl होना, हाँ H2SO4 होना, नहीं H2SO4 आ जाएगा, देखो ये NaCl, चलो सही है हाँ, लेकिन ये आयन के फॉर्म में रहता है जी, इसको छोड़ दो ना, ये सब लो ना, जो इजी है तो वही लो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको CO2 होना, ये सब देख रहे ना, ये सब कंपाउंड को हम लोग क्या मानेंगे,
नॉन पोलर मानेंगे जी, नॉन पोलर जो पानी का दुश्मन होता है, बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन C6H6 देख रहे हो ना, इसमें ये तीन चीज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नॉन पोलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आयंस किसे कहते हैं सर, जिसमें आपको प्लस माइनस चार्ज दिखाई देगा उसको आयंस कहते हैं। चलिए आप मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा ये है अगर आपको कोई सामान को भेजना हो और आपका मन में ये चला कि पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं और सामान चला भी जाए तो आपको क्या सोचना होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर पोलर मॉलिक्यूल को भेजना हो सर, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल को, तो उसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे सर, आपको फैसिलेट ट्रांसपोर्ट सोचेंगे जी, ठीक है। अगर आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भेजना हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, डिफ्यूजन। देखो टर्म एंड कंडीशन लग गया ना जी। या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भेजना हो तो सर क्या लग जाएगा, सर आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भेजना हो तो उसके लिए क्या करवाएंगे, डिफ्यूजन कराएंगे जी। कुछ जा रहा है समझ में, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट और इसमें कुछ अंतर कुछ गया? हेलो, सही बोले जी माजिन? यस सर, यस सर। क्या बोले सर, इस सही लिखे ना, नॉन पोलर को कूल नहीं जाता, डिफ्यूजन। यस सर, पोलर को कूल नहीं जाता है। yes, सही है ना, सही बोले? यस सर, यस सर, सही है। हाँ सही है, पोलर वाले को रिसेप्टर ले। हाँ सही है, सही सर, सही बोल रहे हो। चले बोले आगे, तो आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे। अब ये सब हम पोलर नॉन पोलर शब्द इस्तेमाल करते, पोलर का घबरा नहीं जाना कि पोलर किसे कहते हैं, नॉन पोलर किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, पोलर किसे कहेंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे जी, ठीक है। एक बार देखते हैं डिफ्यूजन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बस इसमें जो टाइम लग जाए, देखिए हम आपको डिफ्यूजन पढ़ा रहे हैं, छूट जाएगा ना, तो नोट्स में भी बहुत कुछ लिखे है डिफ्यूजन का, उससे भी पढ़ लेना। डिफ्यूजन क्या होता है, डेफिनेशन सुनेंगे इसका, डेफिनेशन, और डेफिनेशन जब सुन लेंगे, डेफिनेशन सुन लेंगे तो माइक ऑन है जी, ऑफ करो, है ना, डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद मीडियम फॉर डिफ्यूजन जानेंगे, मीडियम फॉर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के मीडियम जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, इसी में एग्जाम्पल जानेंगे, टर्म एंड कंडीशन जानेंगे, टर्म एंड कंडीशन फॉर डिफ्यूजन, टर्म एंड कंडीशन फॉर डिफ्यूजन जानेंगे, और डिफ्यूजन आपको कब यूज होता है ना, आपको ह्यूमन में और प्लांट में डिफ्यूजन कब यूज होता है वो सब भी जानेंगे। देखिए चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई प्लांट को सामान को भेजना हो सर, ठीक है, एक जगह एक सेल से दूसरे सेल में, तो वो कभी कभी क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का माहौल बना देता है जी, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास करे, है ना, इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास थ्रू, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल उसमें ब्रैकेट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कुछ एक्सेप्शन भी है मानेंगे पानी का लेकर के, लेकिन न्यूट्रल, इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास फ्रॉम, पासेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, अजमत समझ में आ रहा है सर जी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई सामान जाता है, इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन विदाउट 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 एनी यूज ऑफ एनर्जी, एनी यूज ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कॉल्ड डिफ्यूजन, इसी को नाम देते हैं हम लोग डिफ्यूजन के नाम से लाते हैं। असली जो टीचर सब जो होगा ना, तुम्हारे बातों में ये ढूंढेगा कि तुमने ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि नहीं, इतना शब्द का इस्तेमाल किया तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे के पास डेप्थ है, नहीं तो कोई 10th क्लास का बच्चा सब मिलेगा ना, 9th क्लास का बच्चा, उससे पूछो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बोलेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सामान का मूव करना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा, अगरबत्ती जलाइए सर, अगरबत्ती जलाते तो एक तरफ से धुआं अपने आप इधर की ओर आने लगता है जी, ठीक है, कभी देखो रूम में कभी, या एक कहेगा सर कि एक स्लोप पे पानी गिराइए सर, नीचे अपने आप पहुंच जाता है सर, है ना, या बाल्टी में पानी भर लीजिए, एक सूखा कपड़ा आधा बाल्टी में डालो और आधा ना बाहर की तरफ डालो, तो अपने आप पानी ऊपर की ओर खींचाएंगे, ये सब डिफ्यूजन का एग्जांपल देगा वो लड़का, है ना। वो ये भी कह सकता है सांस लेना सांस छोड़ना, ये भी डिफ्यूजन है, सही जा रहा है वो लड़का, लेकिन उतना बोलने से अच्छा वो ये बोल देता कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, तो टीचर समझता है लड़का पढ़ के बोल रहा है, ये सुना सुनाया बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये आपको सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है, सॉलिड टू सॉलिड में भी डिफ्यूजन देखते हैं, लिक्विड से लिक्विड में भी डिफ्यूजन देखते हैं,
गैस से गैस के अंदर में भी डिफ्यूजन देखते हैं। जैसे अभी देखो ना, हमारे एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और आपके लंग्स में ऑक्सीजन कम है। अगर आपको सांस लेने की इच्छा जताना है, मतलब आप चाहते हो कि सांस ले, तो सर बाहर का ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर आना शुरू कर देता है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है जी, ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से, और आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर निकलना, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अजमत को समझ में आया जी डिफ्यूजन का डेफिनेशन? हेलो, है कि नहीं जी? अजमत चला गया? डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या होता है सर? आपको एग्जांपल है ना, मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। अब बताएं यहाँ पे मार्जिन क्या सवाल पूछेगा? मार्जिन ये सवाल पूछेगा कि सर अभी वेंटिलेटर इस सब का क्या जरूरत पड़ गया? ये भाई माहौल बनाना पड़ता है ना, डिफ्यूजन ऐसे थोड़ी हो जाता है, आपका लिविंग सिस्टम है, लंग्स को खींचना भी पड़ता है, तो सांस लेने के लिए कुछ ताकत लगाना पड़ता है। हाँ, ऑक्सीजन तो अपने आप जाएगा, पर माहौल बना के दोगे तब ना, कोई गेस्ट आपके यहाँ अंदर आया तो आप उसको रहने का जगह दोगे तब ना, आपके घर में रुकेगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। मतलब कोई गेस्ट जैसे घुसता है आपके यहाँ, तो आप कुर्सी उसी खाली कर देते ना, फिर ये यहाँ बैठिए, या गेस्ट को बुलाते हो कि आइए आइए अंदर आइए, तो वही बात आपके साथ होता है कि लंग्स उसको ऑक्सीजन को बुलाने के लिए पूरा एफर्ट लेता है, ठीक है, वो जो एफर्ट लेता है ना सर, उसी में ताकत खर्चा होता है, नहीं तो सांस अपने आप खींचा जाता है, ऑक्सीजन बाहर का अंदर अपने आप आ जाता है ना, बाहर का ऑक्सीजन आपके अंदर में अपने आप पहुंचता है, ठीक है, बस माहौल बनाने में ताकत खर्चा होता है। वही जो आदमी बहुत कमजोर हो जाता है, जिसको इतना ताकत नहीं है सांस खींचने का, तब डॉक्टर उसको एक वेंटिलेटर मशीन होता है, वेंटिलेटर एक ऐसा पाइप होता है ना, सीधे मुंह के अंदर तक डाल देगा, और वो अंदर तक डायरेक्ट हवा पहुंचा देता है, बिना लंग्स को मेहनत किए, बिना लंग्स को कोई मेहनत नहीं करने देता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तो वेंटिलेटर भी एक तरह का मीडियम देता है, उसको ताकत कम लगाने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन के नाम से बुलाएंगे। और भी एग्जांपल है जी, अब हम उतना एग्जांपल नहीं लिखेंगे, तुम लोगों को बस इतना समझाना है हमको कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, अकर्स इन सॉलिड। सॉलिड में एग्जांपल दीजिए सर, वो बालू का ढेर बनाते हो ना, बालू के ढेर पे गेंद रख दो ऊपर की, गेंद अपने आप सड़क के नीचे आ जाएगा, या ऊपर में फिर से ज्यादा बालू रखो, बालू अपने आप सड़क के नीचे आ जाता है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन देखते हैं, लिक्विड में भी डिफ्यूजन देखते हैं। लिक्विड मतलब क्या, शरबत देखते हो ना, रुआबजा जो बनाते हैं, एक गिलास पानी ले लो, उसमें आपको एक बूंद आपको डाल दो, वो क्या कलर सब्सटेंस, कलर सब्सटेंस ज्यादा है एक तरफ, और नीचे में कलर सब्सटेंस कम है, ऊपर से नीचे कलर सब्सटेंस जाने लगता है जी, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और गैस में भी क्या होता है सर, आपको डिफ्यूजन देखने को मिलता है, सांस लेने वाला एग्जाम्पल दिए ही, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में देखने को मिलता है, गैस में, किसके तुलना में, लिक्विड की तुलना में, लिक्विड से किससे, सॉलिड में देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब डिफ्यूजन है ना सर, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा जंप मारेगा, एक सेल यो है, एक सेल ये है, एक सेल यहाँ है, तो एक सेल यहाँ है जी, ठीक है। मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल इसमें है ना, यहाँ पे सर क्या है, एक दो चार मॉलिक्यूल है, या दो मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ जीरो है जी, तो देखो सबसे कम तो यहाँ है ना, हाई कंसेंट्रेशन कहाँ है जी, यहाँ पे, लो कंसेंट्रेशन यहाँ पर है जी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ होगा, डिफ्यूजन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, कि कुछ ही दूरी तक जा सकता है सर, बस यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है जी। जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, इस घटना को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। इलान का हिंदी मतलब गया तुम लोगों को समझ में, डिफ्यूजन एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस है ना, डिफ्यूजन एप्लीकेबल होता है सर शॉर्टर डिस्टेंस, बिकॉज फ्री का सामान कितना दूर खींचेगा जी, ठीक है, फ्री का सामान तुमको ऐसे चला जाएगा उतना दूर तक, तो कोई आदमी आपको मेहनत नहीं करेगा जी, ठीक है, फ्री का सामान थोड़े दूर में खसकेगा जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होगा लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। कभी भी तुम फर्श पे पानी गिराओगे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वहां से सीधे जंप करके इधर ऐसे आ जाएगा है ना, एक धीरे धीरे पानी चलेगा आगे की ओर जी, ठीक है। पहले पढ़ रहा है जी, क्या बोलना चाह रहे हैं, डिफ्यूजन एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड स्लोएस्ट प्रोसेस, ये धीरे धीरे होगा सर, एकदम लंबा जंप नहीं मारेगा, एंड स्लो स्टेप है ना जी, स्लो टेक टाइम है ना, डिफ्यूजन एप्लीकेबल शॉर्टर एंड है ना स्लो प्रोसेस, ये क्या है, स्लो प्रोसेस में आता है जी, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन बहुत चीजों पे डिपेंड करता है जी, डिफ्यूजन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये सब भी पढ़ा हुआ है हम लोगों का सर, प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर प्रेशर बढ़ा दीजिएगा ना, डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा जी, ठीक है,
सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तब भी डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। उसके बाद साइज अगर छोटा रहेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इधर नीचे लिखते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा जी, ठीक है। और सर इसके साथ साथ है ना आपको ये क्या नाम है आपको परमियाबिलिटी है ना, आने जाने का माहौल बना के देना, अगर कोई रुकावट नहीं है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, और अगर रुकावट है तो डिफ्यूजन स्लो होगा जी, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख देते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जो रफ्तार होगा वो प्रेशर पे, टेम्परेचर पे है ना, आपको परमियाबिलिटी पे, परमियाबिलिटी मतलब आने जाने के लिए माहौल बना के देने में परमियाबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है कैसा मीडियम दे रहे हैं उन सब चीजों पे डिपेंड करता है सर, है ना। नेचर ऑफ है ना जी, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पोलर में ले जा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, नॉन पोलर ले जा रहे हैं अच्छे से जाएगा, ठीक है। लिपिड में लिपिड को ले जा रहे हैं तो अभी ठीक है, अगर लिपिड में आपको नॉन लिपिड को ले जा रहे हैं तब दिक्कत हो जाएगा, है ना। मान लो ये चर्बी का कोई चीज है, प्लाज्मा में हम सब जानते हैं किस चीज का ज्यादातर रहता है उसमें लिपिड, और लिपिड में लिपिड को ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से चला जाएगा डिफ्यूजन से। लेकिन यही जगह पे आपको भेज दिया जाए है ना नॉन लिपिड को, जैसे ऑक्सीजन को भेज दिया तो इसको नुकसान पहुंचाएगा, नहीं जाने देंगे, रोकेंगे इस तरह से, मतलब ये हो गया क्या सर आपको नॉन पोलर ना, नॉन पोलर हो गया, ये हो गया पोलर, घुसा जाएगा या जो भी हो, हम अब ये समझाना चाह रहे हैं सेम टू सेम नेचर का रहेगा ना तो आराम से चला जाएगा, लेकिन अब वो दूसरा नेचर का रहेगा तो टेंशन देगा उसको, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में, कुछ गया जी पढ़ लेगा अपने से भी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कोई तंग नहीं करने वाला पॉइंट है, हम आपको पढ़ाए हुए ना इसलिए थोड़ा सा हमको मन कर रहा है कि इसमें हम इस तरह से स्किप कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हुआ है एक बार बोलना जरूर हमको कि हम उसको स्लो वे में भी आपको समझा दें। ये पेज हम आपको अभी क्लास एंड होने के तुरंत बाद दे देंगे, डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नॉट रिक्वायर स्पेशल रिसेप्टर, इसको किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ता जी, ठीक है। इसका एक कहानी सुना, देखो नहीं समझ रहे तो पहले डिफ्यूजन के लिए देखो एक फोटोग्राफ बनाइए, सेल है सर, सेल में ये क्या होता है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटोग्राफ सबको क्लियर है ना, और उसके बाद यहाँ पे इस पे प्रोटीन सब भी होता है वट एवर, और है ना इसी में आपको यहाँ पे सेल वॉल है, ये प्लांट का बात हो रहा है ना चैप्टर का, तो प्लांट में सबसे पहले क्या मिलेगा सेल वॉल। अब मान लीजिए सर ऑक्सीजन को जाना है सर, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर में हाई कंसंट्रेशन में है और इसको जाना किधर है सर, आपको लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, सेल के अंदर में ऑक्सीजन एगो दो गो है, ठीक है, बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो देखिए ये ऑक्सीजन ऐसे जा सकता है, ऐसे घूम के जा सकता है, ऐसे बीच से जा सकता है, जिधर से मन है उधर से जा सकता है, मतलब इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है जी, ठीक है। जैसे आपको देखिए कोई शादी विवाह हुआ, शादी विवाह में जिसको आप दावत दिए रहते हैं, मतलब नहीं होता है, एक इन्विटेशन दिए रहते हैं, मान लीजिए मेरे घर के बगल में किसी का शादी हो रहा है, ठीक है, और हमको इन्विटेशन मिला है तो हम किधरों से घुस सकते हैं, हमको कोई रोकेगा जी, ना रोक सकता है जी, ठीक है, मतलब है ना दाएं लोग सब जान रहा है हमको, ठीक है, तो गेट के उधर से घुसे या पर्दा उठा के उठे किधरों से भी जा सकते हैं, ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही बात यहाँ पे भी है कि डिफ्यूजन के लिए कोई खास रास्ता नहीं होता है सर, जिधर से जगह मिला उधर से घुस गया जी, ठीक है, खाली माहौल मिलना चाहिए बाहर में। जैसे देखो ना शादी में होता है तो बराती एकदम ठेलम ठेल आएगा, या मान लीजिए मतलब पूरा बना हुआ ये क्या नाम है कंपार्टमेंट, अब बाहर में 50 आदमी है, अब एकदम घुसने के लिए ना ठेल ठेल के घुस जाएगा जी, ठीक है, मान लीजिए हमको नाता नहीं दिया था, ठीक है, हमको इन्विटेशन नहीं दिया, हमको घुसना है उसके अंदर में, तो हम क्या करेंगे, भीड़ का इंतजार करेंगे, जैसे 50-60 आदमी भीड़ आएगा ना उसी में हम भी घुस जाएंगे, भीड़ के जरिए अंदर में चले जाएंगे जी, ठीक है, मतलब बस एक तरफ ज्यादा कर दीजिए एक तरफ कम कर दीजिए, आराम से हो जाएगा डिफ्यूजन। गया जी बासन में, ये भी लाइन लिख देते कहीं पे, डिफ्यूजन नॉट डिपेंड अपॉन नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन, कुछ जा रहा जी बोलो जी, कोई भी जिसको दिक्कत है तो, है ना, हम जानते थे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कोई चीज, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या होता है जी, ठीक है, प्रोटीन, है ना, अगर कोई सामान को घुसाना हो तो किधरों से भी घुसा सकते हैं डिफ्यूजन के मामले में, लेकिन यही जगह पे फैसिलेट ट्रांसपोर्ट दिखाएंगे तो उसको एकदम ईगो रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई इस मोहल्ला में कोई मेरा स्टूडेंट सब है, वो कहीं हमको इन्वाइट करे, और हमारा ईगो इतना है कि जब तक घर से बुला के नहीं ले जाएगा तो जाएंगे नहीं, ठीक है, हम वहाँ गेट के जैसे उसका शादी विवाह का समारोह है, हम बाहर में खड़े हैं, जब तक कोई अंदर से बुलाएगा नहीं तब तक नहीं जाएंगे, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ना, हमको दावत नहीं दिया लेकिन हमको मन है कि दास खास खा के आ जाते हैं, ठीक है जी, दो सिचुएशन हो सकता है ना।
जा रहा जी मेरी बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? दुनिया में दो तरह, हाँ बोलो सर, अगर क्या बोलते हैं बाहर में एक ऑक्सीजन रहेगा और सेल के अंदर दो ऑक्सीजन रहेगा, तब क्या होगा? बाहर निकाल तब नहीं जाना, हाँ अंदर का बाहर निकालना नहीं, तब तो बीच में आ जाएगा ना वो। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है हाँ बीच में आ जाएगा, नहीं होने देगा ट्रांसपोर्ट, बीच में रहेगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, एगो यहाँ ऑक्सीजन आएगा, एगो यहाँ रह जाएगा, एगो यहाँ रह जाएगा। वो पढ़ाए थे कभी तुमको डिकम्पोजिशन, सुबह वाला बैच में पढ़ाए थे ना, सड़ने गलने की प्रक्रिया जब होती है तो CO2 क्या होता है, यहाँ पे आके फंस जाता है, चाहे क्योंकि नीचे से CO2 आ नहीं रहा है, ऊपर का CO2 निकल नहीं रहा है, इससे रह जाता है, फंसा रह जाता है, मतलब बीच में रह जाएगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे आके रह जाएगा, अटक जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन समझ में आया जी किसी को? मार्जिन का क्वेश्चन था कि दो ऑक्सीजन सेल में एक ऑक्सीजन बाहर, तो क्या डिफ्यूजन होगा या अंदर से बाहर जाएगा सामान? नहीं जी, ये बीच में आ जाएगा, ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे। अब या तो बाहर से एक ऑक्सीजन बढ़े तब अंदर घुसेगा, या अंदर में एक ऑक्सीजन बढ़े तो इधर से भागेगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा जी? और जब डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा ना, तब हम फैसिलेट ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे। फैसिलेट का हिंदी मतलब निकालोगी ना कि कोई फैसिलेट करेगा, सुविधा देगा, तभी जा पाएंगे। मतलब हम आपको ये ईगो लगा लिया कि भाई हमको कोई बुलाएगा तभी जाएंगे, तब ये हो गया फैसिलेट। या हमको हुआ कि हमको कोई इन्विटेशन दिया ही नहीं, हमको बड़ा मन है कि उस भोज में जाके खाना खाए, है जी, तो हम कहे कि काश कोई अंदर से आवाज दे देता, है ना जी। तो एक दोस्त, एक स्टूडेंट था, वो कहा सर आइए आइए आपको बुलाते हैं हम, है ना, तो उसके मदद से हम अंदर घुस गए, है ना। तो फैसिलेट ट्रांसपोर्ट में सुविधा लिया जाता है और डिफ्यूजन में किधरों से घुस जाता है जी, ठीक है, ये दोनों में अंतर है जी, ठीक है। ये सब बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, डिफ्यूजन समझा दिए। और ऑस्मोसिस हम आपको पढ़ेवे करेंगे, इस बुक में ऑस्मोसिस एक पेज में दिया हुआ है, तो ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग जानेंगे। वाटर का जब मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इस तरह के डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है? इट मूव फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल विद, लिखा आपको ओवरऑल शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। इसमें कोई स्पेशल रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ता है जी डिफ्यूजन में, है ना। मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम फैशन, मॉलिक्यूल किधरों से घुस सकता है? रैंडम फैशन में डिफ्यूजन होता है सर, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है, आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है। हाँ ये भी बात हम बोलना भूल गए, डिफ्यूजन अकर्स इन लिविंग नॉन लिविंग सब केस में देखते हैं। डिफ्यूजन कहाँ देखने को मिलता है? अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डिफ्यूजन और मास फ्लो में जमीन आसमान का अंतर है जी, ठीक है, हम आपको इसी बुक में मास फ्लो भी पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। मास फ्लो में भी एनर्जी नहीं लगता है और डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन सर डिफ्यूजन स्लो होता है और मास फ्लो बहुत फास्ट होता है जी। कभी नदी देखते हो, नदी में जब बाढ़ आता है तो मास फ्लो का कंसेप्ट रहता है जी, पानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के वजह वहां भी भाग रहा है, लेकिन बहुत है सर। मास फ्लो के लिए इंतजार करो, हम जब पढ़ाएंगे आपको मास फ्लो, तू खुद कर देगा सर, सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट दुनिया का यही होगा। दुनिया में सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट बिना पैसा के आपको एक जगह से दूसरे का पहुंचना है, तो मास फ्लो के जरिए पहुंच जाओ। नदी में तो क्या करो, उत्तराखंड में कूद जाओ, उत्तराखंड में जो गंगा नदी आता है वहां कूद जाओ, अपने आप यहां तक पहुंच जाएगा जी, ठीक है, दरभंगा समस्तीपुर तक, है ना जी, क्योंकि नदी आपको घिसते घिसते यहां तक ला देगा जी, ठीक है। जैसे अभी देखो ना, अभी बहुत सबसे डरावना फोटो है जो नदी में बहुत सारा लाश सब तैर रहा है, ये सब मास फ्लो की वजह से आपको तैरते हुए आ गया। डिफ्यूजन समझा दिए जी, अब कल हम लोग मिलेंगे फैसिलेट ट्रांसपोर्ट से, है ना जी, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट के लिए कल मिलते हैं, है ना, रहने तो यहीं तक, धीरे धीरे भी पढ़ो, है ना, फिर उसका पिक देंगे आप लोगों को।